मैं पहुंच चुका हूं इधर अड्डे पे, तो बस मेरी रेडी है। जी तो फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। तो मैं अभी उठा हूँ और अभी खाना वगैरह खा के रेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा। और लोग तो यार कुछ भूल रहे हैं। हाँ यार, ब्लॉग का इंट्रो तो दिए नहीं है और टॉपिक क्या है हमारे ब्लॉग का वो तो बताया नहीं है। चलो फिर इंट्रो करते हैं और टॉपिक बताते हैं। तो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय लाइफ, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो भाई आज का टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल ब्लॉग का। तो आज हमें ट्रैवल करना है और बड़ा मज़ा आने वाला है यार, क्योंकि आज मैं बस के ज़रिए ट्रैवल करने वाला हूँ। अपने मैं सारा एक्सपीरियंस बताऊँगा मैं कैसे गया, क्या कुछ किया। और आप अगर आप मतलब मंगला से लाहौर जाएँ, अगर आपने कहीं सफ़र करना है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन सारी है। तो जी आज हमने सफ़र करना है मंगला से लाहौर तक। तो मैंने बस के ज़रिए सफ़र करना है मंगला से लाहौर तक, तो आपके साथ सारा शेयर करूँगा। तो चलते हैं, फिर थोड़ा ड्रेसिंग करते हैं और फिर निकलते हैं। मैं पहुंच चुका हूं इधर अड्डे पे, तो बस मेरी रेडी है। तो मैं आपको बस दिखा देता हूं। ये बस रेडी है, मिट्ठू ट्रेवल्स नाम है गाड़ी का। ये रेडी हैं, ये लगी हुई हैं बसें सारी। 10:30 बजे निकली है ये गाड़ी। ये फ्रेंड हम हमारी गाड़ी निकल चुकी है और मैं आपसे कुछ डिटेल शेयर कर देता हूँ इस गाड़ी के बारे में। यहाँ का जो मंगला आज़ाद कश्मीर से किराया है लाहौर तक वो आई थिंक है 500। उसके बाद जो टाइमिंग है यहाँ से ये 10:30 बजे निकल रही है और ये तकरीबन 4.5 घंटे 5 घंटे में आपको लाहौर तक जा सकती है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कैसा सफ़र गुजरता है हमारा। वैसे बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे एक बात है कि बस में सफ़र करने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। तो आप भी इंजॉय कीजिए, मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ और आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपने जो सफ़र है सारा शेयर करूँगा आपसे। तो स्टे ट्यून्ड। जी गाइस, हम पहुंच चुके हैं इधर, दीना क्रॉस कर लिया है। तो कैसा जा रहा सफ़र? मेरा तो बड़ा मज़े का जा रहा है, गाड़ी बिल्कुल मतलब सही जा रही है। और अभी हम पहुंच जाएंगे, तकरीबन 4-1 घंटे और लग जाएंगे हमें। अभी हम पहुंच चुके हैं इधर, गाड़ी रुकी हुई है तो नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए गाड़ी रुकी हुई है। उधर हमने इधर पहुंच चुके हैं, काम मोंकी पहुंच चुके हैं। तो इधर कोई खाते पीते हैं। हम पहुंच चुके हैं लाहौर में, पहुंच चुके हैं। तो इधर मैंने लारी अड्डे पर उतर जाना है, उस आगे फिर हमने आर बाज़ार में जाना है। तो गाड़ी मतलब ये खाली हो चुकी है, तो अभी लारी अड्डे के ऊपर जा रहे हैं, वहाँ उतरेंगे, फिर आगे कोई और बस पकड़ेंगे और आर बाज़ार की तरफ जाएंगे।
फ्रेंड, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मैं यहाँ से आगे व्लॉग नहीं बना सकता, तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आपको उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। जब मैं वापसी जाऊँगा तो वो ट्रेन का व्लॉग आएगा, ट्रेन पर जाएँगे इंशाल्लाह, जो नहर पाकिस्तान का भी विज़िट करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।